हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर हैं आप लोगों के बीच एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आप एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर हैं और अगर आपके मन में यह चल रहा होगा कि अपने वर्क साइट पे पहले दिन TBT कैसे दें, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पता होना चाहिए कि TBT क्या होता है। TBT को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग, टूल बॉक्स स्टॉक, है ना। टूल बॉक्स स्टॉक ये होता क्या है, जब आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, तो आपका जो पहला काम होता है क्या होता है, TBT देना। ठीक है, पहला काम आपके क्या होता है, TBT देना। तो TBT आप कैसे देते हैं, इसका कुछ इफेक्टिव कारण होता है ना, इफेक्टिव तरीका होता है ना देने का। तो सबसे पहले समझिए TBT होता क्या है। तो TBT क्या होता है, एक जागरूकता मीटिंग होता है, जागरूकता सभा होता है, जिसमें आप क्या बताते हैं, जो आपके साइट पे वर्तमान में काम चल रहा है उसके संबंधित आप क्या बताते हैं, खतरा बताते हैं, और उस काम में क्या क्या खतरा है और उस खतरा से आपको कैसे बचना है उसके बारे में आप किसको बताते हैं, जो हमारे वर्कर हैं उनको आप बताते हैं। तो क्लियर हुआ TBT क्या होता है। TBT एक कम समय के लिए दिया जाने वाला क्या है, जागरूकता सभा है, जागरूकता मीटिंग है, जो कि काम शुरू होने से पहले वर्क साइट पे जो भी कामगार होते हैं, जो काम चल रहा है वर्तमान में उससे संबंधित हजार्ड यानी खतरा और क्या क्या उस खतरा से बचने के लिए सावधानियां लेना है, इसके बारे में हम लोग किस में बताते हैं, TBT में। क्लियर। अब बात ये आती है कि आप TBT इफेक्टिव तरीके से कैसे देंगे, वो कौन सा तरीका है। आप ये सोचेंगे कि हाँ मैं कैसे TBT स्टार्ट कैसे करूँगा। एज ए फ्रेशर जब आप जाएंगे तो यही सोचते हैं ना कि TBT आखिर हम कैसे दें, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैं 10 तरीके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिससे आपका जो TBT होगा ना बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। पहला तरीका क्या है, जब आप साइट पे जाएं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके कामगार भाई होंगे उनको पहले आप क्या करेंगे, विश करेंगे, अभिवादन करेंगे उनको। अभिवादन क्या करेंगे, जैसे आप जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना, उसके बाद नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी बोलते हैं अपने भाषा में उसके अनुसार आप क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे। साथ ही साथ उनका आपको क्या पूछना है, हेल्थ स्टेटस जानना है, उनका हाल चाल आपको लेना है, फैमिलियर होना है उनसे, है ना, परिचित होना है उनसे, ताकि उनको लगे कि हाँ ये सेफ्टी वाला जो आया है, सेफ्टी बंदा जो आया है, ये हम लोगों का पर्सनली भी ध्यान रखता है ना, हाल चाल पूछते रहता है। इससे क्या होता है, आपका और आपके वर्करों का, आपके कामगारों का के बीच क्या होता है, एक रिलेशनशिप बना रहता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आप बात बोले, है ना, ये कोशिश करिए कि आपका जो बात हो कम समय के लिए हो, छोटा हो। अब ये नहीं कि पूरा महाभारत और रामायण, गीता, कुरान सब उसी में स्टार्ट, ऐसा नहीं। ये जो TBT होता है कम समय के लिए दिया जाता है, है ना, ये नहीं कि पूरा अब आधा घंटा एक घंटा TBT देने में ही आप बिता दें, तो फिर काम भी होना चाहिए ना। आपके जो सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, वो सभी क्या होंगे, आपसे नाराज होने लगेंगे भाई, कहेंगे कि भाई आप TBT ही कराइए, काम गया भार में, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका काम में बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो भी कंटेंट आप बोल रहे हैं, जो भी टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ उससे संबंधित होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बता रहे हैं एक्सकवेशन के बारे में, बता रहे हैं खुदाई के बारे में, अब बताने लगे उनको वर्क एट हाइट के बारे में, है ना। तो ये इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जो टॉपिक आप बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए और उसी के संबंधित होना चाहिए, इधर उधर का नहीं बताइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। उसके बाद हाँ, जब आप जो टॉपिक आप बता रहे हैं उसको आप क्या करें, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करें। ठीक है ना,
आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं और डर रहे हैं खुद से, है ना। तो डरने वाली बात कब आती है, जब आपके पास क्या है, नॉलेज की कमी है, तभी आप डरते हैं। जब आपके पास कंटेंट है, उसको कलेक्ट कर लिए हैं माइंड में, तो आसानी से उसको बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जब भी बोले कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अलाउ फॉर क्वेश्चंस। आप क्या कर सकते हैं, जो भी कामगार भाई हैं उनको क्या, आप कुछ पूछने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ जी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। उनके भी मन में कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न चलता है, तो वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका आपको जवाब देना होता है ना। ये कब करेंगे, आप जब टीवीटी लास्ट में ख़त्म हो रहा है, तो अब उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग के मन में कोई डाउट है, तो वो लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसी समय एट ए टाइम आपको क्या करना है, उनके प्रश्नों का जवाब आपको देना है। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी करंट जॉब है उसके बारे में क्या क्या करेंगे, शॉर्टकट में चर्चा करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है ना। जो भी करंट जॉब है उसके संबंधित हजार्ड और प्रिकॉशन को आपको क्या करना है, शॉर्ट में क्लियर कर देना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस करंट जॉब के बारे में आप बताने जा रहे हैं उसमें क्या क्या खतरा है, क्या क्या प्रिकॉशन, आप क्या क्या बचाव वहाँ पे लगा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना ही बताना है। अब ये नहीं कि आप खतरा बता दिए और प्रिकॉशन कोई और बताएगा, ऐसा नहीं ना होगा। आपको क्या करना है, हजार्ड बताना है, खतरा बताना है, उसी समय आपको जो भी खतरा आपने बताया है उसका क्या बताएंगे आप, प्रिकॉशन आप बता देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर कोई पिछले समय में, है ना, प्रीवियस टाइम में, एक दो दिन पहले, दस दिन पहले, अगर किसी तरह का कोई नियर मिस या एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे संबंधित जो वर्कर होंगे, जो कामगार होंगे, उनके चर्चा करेंगे कि हाँ राकेश के साथ ये नियर मिस हुआ था, है ना, किस गलती से हुआ था, आपको उस गलती को सुधारना है ना, ताकि अगेन वो घटना आपके साथ ना हो। तो प्रीवियस एक्सीडेंट के बारे में भी चर्चा करना है और नियर मिस के बारे में, क्योंकि ये नियर मिस होता है धीरे धीरे क्या एक्सीडेंट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो छोटे छोटे गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे डिस्कस करना है वर्करों के साथ, बताना है उनको कि ये जो छोटा छोटा गलती आप करते हैं, यही छोटा छोटा गलती क्या करता है, बड़ा कारण बनता है एक्सीडेंट का। क्लियर। उसके बाद अवेयर अबाउट इमरजेंसी प्रोसीजर, जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी में उन्हें कैसे निपटना है ना, इमरजेंसी में उन्हें कहाँ जाना है, किसका हेल्प लेना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज़ आप डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद फिलिंग टूल बॉक्स टॉक फॉर्म, जो भी टीवीटी का फॉर्मेट होता है, जब आपका टीवीटी समाप्त होगा, ख़त्म होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एक फॉर्मेट आता है टीवीटी का, ठीक है ना। तो टीवीटी के फॉर्मेट को आप क्या भरेंगे, जो भी पार्टिसिपेट होंगे, जितने लोग उस टीवीटी में भाग लिए हैं, जितने लोगों को आपने उस करंट जॉब के बारे में बताया, उनका नाम होगा, उनका डेसिग्नेशन होगा, पद होगा, कौन क्या है, कौन वेल्डर है, कौन ग्राइंडर है, कौन कटर है, कौन पेंटर है ना, कौन सुपरवाइजर है, सारे लोग का क्या होगा, नाम होगा, पद होगा, साथ ही साथ उनका सिग्नेचर होगा। क्लियर। तो इतना सारा चीज आपको प्रोसेस करना है, तभी आपका क्या होगा, टीवीटी इफेक्टिव होगा, है ना। तो टीवीटी जो होता है, समझिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है साइट पे, बिना टीवीटी के आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अब एक प्रूफ के तौर पे आप क्या करते हैं कि हाँ मैंने आज मॉर्निंग में टीवीटी कराया है, तो आप क्या करेंगे, एक फोटो ले लेंगे, किसी बंदे को बोल देंगे, वर्कर को या फिर आपके जो भी साथ में काम करने वाले हैं, सहकर्मी हैं, उनको बोलेंगे आप एक फ़ोटो ले लीजिए। उस फोटो को आप क्या करते हैं, ग्रुप में डालते हैं, क्लाइंट का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आप पोस्ट करते हैं डेली बाय डेली, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ आज ये कॉन्ट्रैक्टर ने इस लोकेशन पे टीवीटी दिया है,
और आपके पास टीबीटी फॉर्मेट का प्रूफ है ही, है ना, तो इस तरीके से आप टीबीटी आसानी से दे सकते हैं और इस तरह से आपका टीबीटी इफेक्टिव हो सकता है। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।